हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप जिंदा है। जिंदा है ये क्यों बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। काफ़ी फैक्टर्स हमें स्टडी करने पड़ते हैं कोई भी कंपनी के, कि उसमें क्या क्या चल रहा है, कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है। हमने पेपर पे तो सब कुछ देख लिया कि भाई फंडामेंटल्स या फिर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी ने बताया अपने सब्सिडरीज का, वो पब्लिश किया वेबसाइट पर, वहाँ तक ठीक है। बट हमारा सवाल यह है कि भाई हमने जाकर थोड़ी देखा है कि वहाँ पे क्या चल रहा है और वो कंपनी रियल में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, एक्टिव है कि नहीं है, उसका सबूत मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और ब्राइटकॉम ग्रुप जिंदा है ये बताने के पहले आपको बता दूँ, अगर आपको मंडे के लिए चाहिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैंने फ्राइडे को जैकपॉट शेयर दिए थे 3, 2 गए 5% अपर सर्किट में, 1 गया 8% अप। कभी कभी 20% के मिल जाते हैं, पर रोज़ रोज़ नहीं होता है ऐसा। मिल गया तो अच्छी बात है। मंडे को मुझे लग रहा है कि 20% के 1-2 शेयर तो मिलने वाले हैं, वो रेडी है मेरे पास, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको टाइम नहीं है, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आपका पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर लिया है, कब लेना है, कब बेचना है, आपको टाइम नहीं होता है, काफ़ी लोगों को नहीं होता है, तो वो लोग आपका पोर्टफोलियो हमें हैंड ओवर कर सकते हैं सुपर इन्वेस्टर टीम को, जो कि हमारी टीम दिन भर बैठी रहती है, कौन सा शेयर लेना है, कौन सा शेयर बेचना है, किस लेवल पर प्रॉफिट बुक करना है, किस लेवल पर स्टॉप लॉस बुक करना है, ये सब बातें हमारी टीम करती है। एक स्पेशल मैनेजर आपके पोर्टफोलियो के लिए दिया जाता है जो कि आपका पोर्टफोलियो हैंडल करता है, और आप उनसे बात भी कर सकते हो, प्लस डेली क्या बाय किया, क्या सेल दिया किया आपके डीमैट अकाउंट में आप देख भी सकते हो। तो ये सर्विस पाने के लिए भी आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, जो कि आपको बैठे बैठे आराम से बैठना है और आपके पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो देखना है। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में काफ़ी चीज़ें हमने देखी, ऑब्जर्व की, उसमें ये भी देखा कि कंपनी प्रॉफिट है, सब है, और भी अभी तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। बट अब मैंने काफ़ी चीज़ें स्टडी की, उसमें एक बात ध्यान में आई कि ब्राइटकॉम ग्रुप जहाँ जहाँ भी एडटेक सेक्टर का या डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर का कोई भी ट्रेड फेयर होता है या एग्जीबिशन होता है, वहाँ पे अटेंड करती है। जो कंपनी एक्टिव नहीं होगी वो अटेंड क्यों करेगी? तो कंपनी को अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना है, इसीलिए कंपनी हाथ पैर मारती है। कोई भी कंपनी हो, वो सब जगह जाते हैं जहाँ पे ऐसे ट्रेड फेयर्स होते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, कंपनी के स्ट्रेंथ बताते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स बताते हैं, और उसी से नए नए कस्टमर्स क्लाइंट्स मिलते हैं और रेवेन्यू बढ़ता है कंपनी का। ऐसा ही एक इवेंट कुछ दिनों पहले हुआ था USA में, वेल सिटी में, जो कि कोलोराडो स्टेट में है USA में। वहाँ पे DigiDay नाम का एक इवेंट हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, DigiDay। DigiDay मतलब डिजिटल डे। ये इवेंट हर साल होता है कोई पर्टिकुलर टाइम पर, और इसमें जो टॉप मोस्ट होते हैं पब्लिशर्स, एडवर्टाइजर्स, मार्केटर्स, ये सब वहाँ पे आते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बताते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में बताते हैं, और नया नया क्या हो रहा है वो समझने के लिए भी लोग जाते हैं कि भाई मार्केट में अभी नया क्या आया है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे आती है एडटेक सेक्टर की एंड डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर की, और वो अपने अपनी नई कंपनी नए जो प्रोडक्ट्स है बताती है। तो इस एग्जीबिशन में ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से गए थे इटाई अटामी। ये CEO है ब्राज़ील की, जो कंपनी ब्राज़ील के जो सब्सिडरी है ब्राइटकॉम ग्रुप की, उसके CEO है, और उनके साथ में गई थी सबरीना डिलास, ये भी वहाँ पे टीम लीडर है जो कि पब्लिशर्स डेवलपमेंट में काम देखती है। तो ये दोनों लोग वहाँ पे गए थे ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वेल कोलोराडो USA में, जो कि मार्च एंड में थी, 27 से 29 मार्च को थी। और वहाँ पे इन लोगों ने ब्राइटकॉम ग्रुप का जो वीडियो प्लेयर है और बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन दिया, कंपनी के जो प्लस पॉइंट्स है वो भी बताए, और उन्होंने उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के कारण उनको काफ़ी पब्लिशर्स और एडवर्टाइजर्स एज ए क्लाइंट उनको मिलेंगे, क्योंकि हर एक कंपनी अपने स्ट्रेंथ बताती है, अपने पॉजिटिव पॉइंट बताती है ऐसे कॉन्फ्रेंस में, और कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी इंक्वायरी जनरेट होती है, और उसमें से 100 में से करीब करीब डिपेंड करता है 30-40% क्लाइंट बन जाते हैं, जो कि सक्सेस हो जाते हैं, जो इंक्वायरी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे इवेंट्स में ब्राइटकॉम ग्रुप लगातार पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये सबसे लेटेस्ट इवेंट है जबकि कंपनी में इतनी धमाचौकड़ी मची हुई है, इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं,
बट कंपनी ने अपना काम रोका नहीं है, क्योंकि कंपनी को पता है कि ये सब चलते रहने वाला है, एक दिन हमारा भी देना आएगा, अपना अपन का भी टाइम आएगा, ये कंपनी को मालूम है। इसीलिए कंपनी ने काम करना बंद नहीं किया है, और इसी का एक प्रूफ है कि कंपनी ने जो सबसे लेटेस्ट एग्जीबिशन था, कॉन्फ्रेंस थी यूएसए कोलोराडो वेल सिटी में, वो अटेंड किया, वहाँ पे अपने कंपनी का प्रेजेंटेशन दिया और सब बातें रखी प्रोडक्ट्स के बारे में, और वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी क्या चल रही है उसके बारे में भी जानकारी ली। ब्राइडकॉम ग्रुप के इसराइल के जो सीईओ है ब्रांच के, इटाई आइटानी, ये 13 ईयर्स से ब्राइडकॉम ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, 13 साल से ये ब्राइडकॉम ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और पिछले 4 साल से सीईओ है इसराइल सब्सिडियरी का, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है ये डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर के, और उन्होंने ब्राइडकॉम ग्रुप के जो इसराइल की जो सब्सिडियरी है उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट ला के दिया है, बहुत अच्छे क्लाइंट ला के दिए है, और आप जानते हैं कि ब्राइडकॉम ग्रुप के रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा शेयर होता है इसराइल के सब्सिडियरी का। तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिव बात है कि कंपनी का काम चल रहा है, ये जो डर के बादल छाए हुए हैं कंपनी के ऊपर, हम लोग आशा कर रहे हैं कि एक एक करके सब सॉर्ट आउट हो रहे हैं। अभी तो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कंपनी MSCI मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के जो इंडेक्स में बनी हुई है उसको निकाला नहीं गया है, तो अभी एक बड़ी पॉजिटिव बात हो गई। अब दो तीन चीज़ें बची हुई है जो कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट है, वो कैसा आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे, और भी पॉजिटिव न्यूज़ हमें काफ़ी एक्सपेक्टेड है, तो कुछ दो चार पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो शेयर नॉनस्टॉप ऊपर जाएगा। मैं टारगेट भी बताऊंगा और 5 साल का टारगेट भी बताऊंगा, जो कि आपको देखना, मैं कल परसों वीडियो बनाऊंगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव बात है। तो ये सब इवेंट्स है और पार्टिसिपेशन से कंपनी एक्टिव है और कंपनी ज़िंदा है, यही साबित होता है। मैंने आपको कंपनी के हैदराबाद ऑफिस का भी वीडियो पोस्ट करके बताया था, एक्चुअल वीडियो, लाइव वीडियो में लगे तो आपको अगर डिमांड होगी तो मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँगा। जिन लोगों ने नए से देखा है या जिन लोगों ने नए से चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों के लिए मैं फिर से एक बार अपलोड कर दूंगा वो वीडियो, जो आप देख सकते हैं ब्राइडकॉम ग्रुप का एक्चुअल हैदराबाद का ऑफिस। सो फ्रेंड्स, लेट्स होप कि एवरीथिंग गो स्मूथ एंड ब्राइडकॉम ग्रुप काम कर रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सब चीज़ें ठीक हो रही है, क्योंकि सेबी के जो नोटिस दिया गया था उसमें रेवेन्यू के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये एलिगेशन नहीं बनाया है, लगाया है कि कंपनी फॉल्स रेवेन्यू जनरेट कर रही है, फॉल्स बिल बनाकर। उनका एलिगेशन है कि प्रॉफिट एडजस्ट किया है, प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा कर बताया है, तो वो ठीक है, प्रॉफिट कुछ कम हो सकता है, बट कंपनी चलती रहना चाहिए, चलेगी तो ही रेवेन्यू कमाएगी, तो ही प्रॉफिट कमाएगी। तो आशा करते हैं कि ये ब्राइडकॉम ग्रुप की सक्सेस स्टोरी आगे बढ़ती जाए और ब्राइडकॉम ग्रुप जल्द ही अपना सब लेवल तोड़कर गोज टू द मून। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड लेट्स वेट फॉर द वन मोर पॉजिटिव न्यूज़ सून फ्रॉम द ब्राइडकॉम ग्रुप। एंड इफ यू वॉन्ट जैकपॉट शेयर फॉर मंडे और यू वॉन्ट अस टू हैंडल योर पोर्टफोलियो, यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।